So good morning students, hope you are doing well at home. So आज डेट है हमारी 9th January. So मैं आस करता हूँ आप सबने कल वाला प्रैक्टिकल अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट कर लिया होगा. So next today हम एक्सरसाइज 10th B को सॉल्व करेंगे. So हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इनटू स्क्वायर ब्रैकेट देन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेज टू पावर टाइम माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अमाउंट, दैट इज वेरी सिंपल. प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर टाइम. सो हमने ये दो फॉर्मूलाज ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखे हैं. अब हम 10th B का फर्स्ट सम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा कंप्लीट द टेबल, जिसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है दैट इज 4000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 5% एंड टाइम गिवन है विच इज 1 ईयर. सो हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं इस सम में, अमाउंट वी हैव टू फाइंड अमाउंट एंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों हमने फिगर आउट करने हैं. सो इनको फिगर आउट करने के लिए हम अमाउंट के लिए पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेज टू पावर टाइम. सो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5/100 एंड टाइम इज इक्वल टू 1. एंड व्हेन वी सॉल्व इट वी फाउंड द अमाउंट दैट इज 4000 इंटू 105/100. क्लियर? अब हम इनको कट कर देंगे, जीरो के साथ जीरो कट हो गई एंड 105 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 420 और 40 की जीरो एज इट इज. सो हमारी अमाउंट क्या आ गई, 4200. नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू. क्लियर? सो अमाउंट कितनी आई हमारी, 4200 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 4000. सो CI आ गया हमारा 200. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर आपको ये फर्स्ट का ए पार्ट समझ आ गया तो हम नेक्स्ट बी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका. दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स. अब टाइम 2 ईयर्स है, फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ए फाइंड आउट करनी है हमने एंड CI. सो पहले अमाउंट के लिए हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे. सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, राइट द फॉर्मूला 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टाइम. जो जो वैल्यूज हमें गिवन है हम उसको फिल कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, टाइम 2 ईयर. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको इस LCM को सॉल्व करना सबको आता होगा. आप 5/100 को कट भी कर सकते हो, अगर 5/100 को कट नहीं करना तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है, किसी भी मेथड के साथ कर लो गलत नहीं होगा.
अब जीरो के साथ जीरो कट कर दो। मैं बेसिकली कैलकुलेशन करता हूँ, अगर मुझे दिख जाए नीचे 100 है, 1000 है या 10 है, मैं उसको कट नहीं करता। सो अब 145 को कट करना है तो सेम टेबल पर ये डिवाइड हो जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 105 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आती है 5 की 5 के साथ 25, और इस 105 में ये 5 प्लस कर देने हैं, क्या आ जाएगा 11025। अब इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 9 5 45। करो अपनी अपनी कैलकुलेशन, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, आप पहले करते हो या मैं पहले करता हूँ। शाबाश। सो हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो आ गई 99225/20। क्लियर। अब इसी अमाउंट को 20 के साथ डिवाइड करना है हमने, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 10 को एज इट इज लिख लेंगे, बाद में उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करनी है ना, किसी भी वे से कर सकते हैं। सो ऊपर क्या आ जाएगा 49, फिर 6, फिर 1 2.5/10। सो अमाउंट क्या आ जाएगी टोटल 4961.25, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, लो पहले फार्मूला लिख लो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। सो अमाउंट कितनी है 4961.25 माइनस 4500। सो ये आपके पास कितना आ गया सबट्रैक्ट करने के बाद 461.25, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये हमारी अमाउंट आ गई। एनी डाउट, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। सो इसी वजह से आप इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सी डी ई आप खुद कर सकते हो, और आपने खुद सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं, ये आज शाम को आपके हो जाने चाहिए। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट सेक्शन में हमने सीखा था वो था अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपली फिगर आउट करना, फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट है, इसमें जो टाइम है वो हाफ ईयरली हो जाता है, तो इन जैसे सम्स को हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है इनको भी करने का। हम ए पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है हमें 10,000, और ये हमने क्लास में ऑलरेडी कर भी रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% पर एनुअम, ये ध्यान में रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया है या पर एनुअम दिया है। अगर पर एनुअम दिया होगा तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर लेंगे, एंड जो भी हमारे पास टाइम गिवन होगा, जैसे 18 मंथ्स हैं, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ ईयरली में टाइम डबल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ। लेकिन ये याद ध्यान में रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम दिया होगा तो हाफ होगा, अदरवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ नहीं होगा। क्लियर। सो टाइम 18 मंथ्स है, पहले हम टाइम का डबल करते हैं, 18 × 2, टाइम कितना आ जाएगा हमारा 36 मंथ्स इस केस में, एंड रेट कितना आ जाएगा R/2, 3%। क्लियर। सो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने हाफ कर लिया, टाइम डबल कर लिया, इस टाइम को ना आप इयर्स में कन्वर्ट कर लो, दैट इज इक्वल टू 36 / 12, 3 ईयर्स।
क्लियर। अब फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर। अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, सीधा सी आई का फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल स्केयर ब्रैकेट 1+R/100 इंटू टाइम -1। अब जो टाइम है वो हमारा 3 ईयर्स हो गया, एंड जो रेट है वो है हमारा 3%, क्लियर। ये वैल्यूज लिखने के बाद यू हैव टू फिल द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+3/100^3-1। हम इनको सॉल्व कर लो, 103/100-1। अब 103 का क्यूब फाइंड आउट करना है हमने, तो 103 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 109,2727 -10,000 डिवाइड बाय 100^3, क्लियर। अब इनको सॉल्व आउट करना है हमने, तो अगर हम एलसीएम लेकर करें तो भी हो जाएगा, अगर बिना एलसीएम से करें तो भी हो जाएगा। बोलो कैसे करना है, एलसीएम लेकर करना है या बिना एलसीएम से? अगर एलसीएम लेकर करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर। सो हम एलसीएम से ही करते हैं। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 9,2727 9,2727×0000/1,2,3,4,5,6, क्लियर। सो हमारा आ जाएगा ये 9,27.27, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। रुपीज़ का साइन डालना नहीं भूलना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सम, दैट इज बी पार्ट। इन द बी पार्ट प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹50,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनुअम एंड टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। हाफ ईयरली फाइंड आउट करना है तो आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम हाफ करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6% हाफ ईयरली, एंड टाइम क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्लियर। हाफ ईयरली में टाइम डबल हो जाएगा। सो राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+R/100×time-1। सो टाइम हमारा 2 है, आर हमारा 6 है, क्लियर। अब इसको ना हम किसी और वे से कैलकुलेट करेंगे, जो लास्ट वाला था ना वो हमने कैलकुलेशन लेंथ ही कर ली, अब इसको हम इजी कैलकुलेशन के साथ करके देखते हैं क्या हम वैसे कर पाते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू हमने फिल कर दी जो स्केयर ब्रैकेट के बाहर आएगी, पहले हम कोशिश करेंगे स्केयर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व कर लें, फिर हमारा सम और भी ज़्यादा इजी बन जाएगा। सो 1+R की वैल्यू 6, 12 का हाफ किया हमने, नीचे परसेंटेज आएगा, ऊपर पावर कितनी आएगी 2-1, इसे ना सीधा ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, क्लियर। हमने अमाउंट वाला फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं किया क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, सो हमने अमाउंट वाला फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं किया। सो बाहर प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज, इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर में आएगा 106/100^-1, क्लियर।
अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेकर उसमें तो आप परफेक्ट हो। क्या आएगा, 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 100 इंटू 100 ओवर नीचे 100 इंटू 100 एलसीएम लेकर किया है। अगर आपको एक प्रॉब्लम लगे ना, ये एलसीएम कैसे आया, कहाँ से आया, आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे या मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो नेक्स्ट स्टेप में 106 का स्केयर करेंगे हम, पहले 50,000 बाहर रखेंगे। 106 का स्केयर बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी, 11236। जिसने बिना पेन उठाए आंसर दिया, वेरी गुड। क्लास में बताया था ना कैसे हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, है ना, जिन्होंने वो मेथड लगाया उन्होंने तो एक मिनट भी नहीं लगाया आंसर देने के लिए, जो सोचते रह गए वो बेचारे, है ना, हंस रहे हो, अच्छी बात है। देखो आपको अभी पता चलेगा ना, आपको ऑनलाइन भी उतना ही तेज होना जितना आप क्लास में काम तेज करते हो ना, ऑनलाइन भी काम आपको उतना ही तेज करना है, क्लियर। क्योंकि नेक्स्ट हमें पता ही है जनरेशन चेंज हो रही है ना, एआई का जमाना आ रहा है, तो जो अपने आप की स्पीड में नहीं रखेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा फिर, क्लियर स्टूडेंट्स। सो मल्टीप्लाई करो 5 को 1236 के साथ। अब इसकी भी एक ट्रिक बताई थी मैंने, याद आ रही है, जिनको याद आ रही है उन्होंने तो आंसर निकाल दिया होगा, जिनको याद नहीं आ रही वो बेचारे बैठे रहे हैं। कितना आंसर आएगा फिर ट्रिक के साथ, 6180, यही ट्रिक लगाई किन्होंने ट्रिक के साथ किया, इसका हाफ किया और जीरो लगा दी, बस काम खत्म। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट आ गई है ना, ये तो कुछ गलत नहीं आ रहा, चेक करना स्टूडेंट्स। ठीक है हमारा आंसर, मुझे लगा हमें अमाउंट 5000 गिवन है, इसलिए मैं सोच रहा था ये आंसर गलत आ गया, लेकिन 50,000 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही है ये, क्लियर। सो होपफुली आपको ये सेकंड सम भी समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, जो हमने सेकंड सम किया उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था जो कि हाफ ईयरली था, क्लियर। और फर्स्ट सम में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकाली थी जो कि ईयरली था। सो नेक्स्ट थर्ड सम है, इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट, फाइंड द अमाउंट ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स। लाइक स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 8000 रुपीस, टाइम 3 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड कर रहा है, और फाइंड आउट क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट को। सो अमाउंट का फॉर्मूला आपको आता ही है, लिख दो फिर जिसको आता है, पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू टी, क्लियर। अब इसमें ना कंपाउंडेड एनुअली पूछा है, अगर एनुअली पूछा है तो रेट और टाइम के साथ कुछ भी नहीं करना, ठीक है, उनको छेड़ना नहीं है, अगर उनको छेड़ोगे वो गड़बड़ हो गए तो आपका आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर। तो ध्यान रखना है इस बात का, कब कब आपने टाइम और रेट को डबल एंड हाफ करना है, कब नहीं करना। अब इसमें एनुअली गिवन है तो हम हाफ नहीं करेंगे, अब सीधा ही कर दें इसकी कैलकुलेशन। बोलो 105 ओवर 100 इंटू 100 इंटू 100। अब 21 के 5 पर कट करना तो कट कर लो, ये नीचे वाला सारा कुछ ही ख़त्म हो जाएगा आपका फिर, या रहने दे कट करने को, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आएगा। अगर हम नीचे सारा कुछ कट कर देंगे तो 21 का क्यूब आएगा, दैट इज़ 9261, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
बताओ क्या करें। चलो दोनों वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले जीरो के साथ सभी जीरोस को कट कर दो, एक दो तीन, तीन जीरो कट हो गई, 10 बच गया यहाँ पर, क्लियर। अब इस 10 और 8 को कट कर दो। कैसे कट करोगे? 8 4 पर जाएगा, 10 5 पर जाएगा। अब इस 5 एंड 105 को कट कर लो, 21 आ जाएगा। फिर 4 एंड 100 को कट कर लो, 25 आ जाएगा। फिर 25 एंड 105 को कट कर लो, ठीक है। एक तो ये मेथड है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9261 आ जाएगा। और नेक्स्ट वे से कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसी स्टेप के बाद हम नीचे आ जाएंगे, इसको लिखेंगे 8000 इंटू 105 ओवर 100 का क्यूब। अब इसी स्टेप में हम 105 एंड 100 को सॉरी कट कर देंगे, 105 21 पर आएगा, 100 20 पर आएगा। फिर इनका हम क्यूब लिख लेंगे, क्लियर। 21 इंटू 21 इंटू 21 ओवर 20 इंटू 20 इंटू 20, जीरो के साथ तीन जीरोस कट हो जाएंगी, क्लियर। 2 टू जार 4, 2 4 टू जार 8 कट हो गया। क्या बचा आपके पास? 21 का क्यूब 9261, क्लियर। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये नीचे वाला मेथड ईजी लगा होगा, सो यू गो विथ दिस मेथड, क्लियर। ये मत सोचना सर आप ऑनलाइन भी कैसे सोच लेते हो, हमें ये अच्छा लगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट, प्रिंसिपल अमाउंट इज 4000, टाइम 2 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ गया, तो टाइम 2 इंटू 2 4, रेट 10/2, रेट का हाफ 5%, क्लियर। रेट का हाफ हो जाएगा, टाइम का डबल। सो अब हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है, जब हमारा इंटरेस्ट एनुअली 10% है, टाइम 2 ईयर्स है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, तो रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट 4 टाइम्स लगेगा ना, 6 महीने 1 साल के, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स, फिर नेक्स्ट ईयर के पे फर्स्ट 6 मंथ्स, फिर लास्ट वाले 6 मंथ्स, क्लियर। ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला हर समय लिखना है, चाहे आता हो फॉर्मूला तो भी लिखना है, क्लियर। फॉर्मूला लिखने से कभी भी गलती नहीं होती। फिर अब पावर क्या आ जाएगी? 4, क्लियर। अब फिर इसको हम कट कर लेंगे, है ना, बीच में ही, जैसे लास्ट सम की कैलकुलेशन की थी ना, कितना इजी बन गया था, तो इसको कट कर लो। यहाँ पर 21 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। अब इसको खोल कर लिख दो, 21 इंटू 21 ओवर 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, क्लियर। पहले जीरो के साथ तीन जीरो कट कर दो, हो गई कट। फिर 2 2 4, नीचे क्या बचा आपके पास? 40। ऊपर क्या आ गया? 441 इंटू 441 ओवर 40। अब इसको कैलकुलेट करो, बताओ कितना आंसर। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1944481/40। इसको डिवाइड कर लो आप, डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा, 40 के साथ डिवाइड कर लो इसको, हमारा आंसर आ जाएगा 4000
862.025। क्लियर, इसको राउंड ऑफ कर लो। पता ही है ना, पैसे हमेशा डबल डिजिट में ही होते हैं, तो ये 5 या 5 से बड़ा हुआ तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। क्लियर, सो हमारा आंसर आ जाएगा 4862.03, ये अमाउंट आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आपने ये थर्ड सम भी कर लेना है अपनी नोटबुक पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ सम करेंगे।